मित्रों नमस्ते। आइए हम बलराम चौधरी सीरोलॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सफल होइए, यही हमारी कामना और कार्य करने का उद्देश्य है। मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों के नाम। ट्रिक के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है गंगा ई हरि का पटवारा। गंगा नदी के लिए ट्रिक है गंगा ई हरि का पटवारा। गंगा से गंगा नदी समझिए, ई से इलाहाबाद समझिए, हरि से हरिद्वार समझिएगा, का से कानपुर, पट से पटना और वारा से वाराणसी। तो गंगा ई हरि का पटवारा गंगा नदी के किनारे बसे हुए नगरों के ट्रिक हैं। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं ब्रह्मा की गुड्डी शोक में। ब्रह्मा की गुड्डी शोक में, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गु से गुवाहाटी, डी से डिब्रूगढ़, शोक से हो गया सोकवा घाट। सोकोवा घाट, ये तीन नगर जो हैं गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है लाख जान गो। लाख जान गो, लाख से समझिए लखनऊ, जान से जौनपुर समझिए और गो से गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए गोदावरी नदी के ट्रिक देखिए। गोद नासी, गोद नासी, गोद से गोदावरी नदी हो गया, नासी से नासिक हो गया महाराष्ट्र। नासिक वाला देखिए, नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद देखिए यमुना नदी के लिए ट्रिक देखिए। आदिम आदिम ई यम, आदिम यम या आदिम ई यम। आ से आगरा हो गया, दी से दिल्ली हो गया, म से मथुरा हो गया, ई से इलाहाबाद। इलाहाबाद देखिए गंगा नदी और यमुना नदी दोनों के संगम पर बसा हुआ है। यम से यमुना नदी हो गया। तो यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगरों का ट्रिक है आदिम ई यम। आदिम ई यम, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, मथुरा, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखिए उसके बाद सतलज नदी का ट्रिक है सतफिलो। सतफिलो हो गया, तो सत से हो गया सतलज नदी और फिलो से हो गया, फी से हो गया फिरोजपुर, लो से हो गया लुधियाना। तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना बसा हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं महानदी का ट्रिक देखिए। महानदी का ट्रिक है महान संबल के कट। महान संबल के कट, महान संबल के कट, महान महान से हो गया महानदी और संबल से हो गया संबलपुर और कट से हो गया कटक उड़ीसा। तो संबलपुर और कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। अब देखिए ऊंची, ऊंची हो गया ऊ से उज्जैन, अच्छी से छिपरा नदी। तो उज्जैन बसा हुआ है छिपरा नदी के किनारे। उसी तरह स्वर्ण जमा कर, स्वर्ण जमा मतलब स्वर्ण रेखा नदी, जमा से जमशेदपुर। स्वर्ण जमा का मतलब स्वर्ण नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए राम बड़े, राम बड़े या राम बड़े, राम से हो गया राम गंगा, अब बड़े से हो गया बरेली। तो बरेली हो गया राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। अब देखिए मूसी है चाहे मौसी है, तो मूसी से हो गया मूसी नदी या है से हैदराबाद। मूसी है हो गया है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। उसके बाद भीमपढ़ मतलब भीमा नदी के किनारे पंढरपुर बसा हुआ है। पंढरपुर, भीम नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर बसा हुआ है। कोच, कोच से हो गया कोटा और च से हो गया चंबल नदी। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए जब नर्म दो, जब नर्म दो मतलब जब से हो गया जबलपुर और नर्म दो मतलब नर्मदा नदी। जबलपुर कहाँ बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, नर्म दो। अब देखिए नर्मदा नदी के लिए ट्रिक है कोहू। को से हो गया कोलकाता, हु से हो गया हुबली नदी। कोहू कोलकाता हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। आयोसर, आयोसर मतलब अयोध्या, अयो से अयोध्या और सर से सरयू नदी। आयोसर मतलब अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। उसके बाद सूता, सू से हो गया सूरत और ता से हो गया ताप्ती नदी। सूता क्या हो गया, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। आप सबों का दिन मंगलमय हो।